के अंदर बहुत ही खुशी की लहर है। 19 साल के बाद जो क्षेत्र का भाग जा गया, हमारे एमपी साहब शिक्षा मंत्री बने और हमारे स्वास्थ्य सुधार जो विधायक है वो मंत्री बने, इससे बड़े क्षेत्रवासियों के लिए कोई भी खुशियां काम नहीं है। आदरणीय हमारे भाई रमेश सुधा जी जो आज नहीं है, उनका सपना जो है यह साकार हो गया। वो चाहते थे कि हमारा भाई जो है ना मंत्री बने, जो आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और आदरणीय मनोहर खट्टर जी ने, मोदी जी ने ये कुछ कैसे दिखाया कि 19 साल के बाद जो है कुछ क्षेत्रवासियों का भाग जा गया। हम सब जो है क्षेत्रवासी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मोदी सरकार का, आदरणीय सैनी जी का, मुख्यमंत्री का बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम ये नजर आने वाले जो है एमपी के इलेक्शन में उतारेंगे, 10 की 10 सीटें जो है मोदी जी की जोड़ी में डाल है। और हरियाणा में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें कुरुक्षेत्र का नाम बहुत आगे है, इसलिए हम जहां पार्टी का धन्यवाद करते हैं वहां चीफ मिनिस्टर का भी धन्यवाद करते हैं और सुभाष सुधा को बहुत बहुत बधाई के साथ, यहां के नागरिकों को, यहां के मतदाताओं को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिनकी बदौलत आज ये दिन देखने को। इससे ज़्यादा खुशी इतने सर वालों के लिए धर्म नगरी के नहीं हो सकती। मैं इसका सीधा सीधा क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और ख़ास तौर पे मनोहर लाल जी को देता हूँ, जिन्होंने अपने हाथ से तराशी गई मूर्ति को ही हमारे मुख्यमंत्री बनाए। नायब सिंह जी सैनी वो अपने दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये पहली बार आगे 60 साल में कोई पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना है। और सुधा जैसा हमारे साथ दिल यशस्वी विधायक हमारे कुरुक्षेत्र की शान है, ये हमारे लिए। आज कुरुक्षेत्रवासियों में बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि जो जनप्रिय नेता जी हैं जिन्होंने नगर पालिका, नगर परिषद और उसके बाद विधानसभा का काम बड़े अच्छे से कुरुक्षेत्र का विकास किया, आज वो हरियाणा सरकार ने मंत्री बना दिए हैं। इसके लिए पूरी कुरुक्षेत्र की जनता हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रही है। सभी को बहुत बहुत